सांपों की तरह केप्ड कोबरा भी इंसानों की बस्ती के आसपास ही रहता है। दक्षिण अफ्रीका में ये तालाबों और झीलों में अक्सर पाया जाता है और तैरने के अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करता है। अपनी लहरदार गति से कोबरा का बदन बगल बगल में तेजी से चलता है। वो स्विमिंग पूल में कुछ इस तरह से चलता है कि इस पर नजर ही नहीं पड़ती। सांपों की कुछ प्रजातियां अपनी सारी जिंदगी पानी में ही बिता देती हैं। अमेज़न के वर्षा वन में रहने वाला ये हरा एनाकोंडा नदी के उथले पानी में अपना घर बनाता है। ये 10 मिनट तक पानी में पूरी तरह से डूबा रह सकता है। इसका वजन करीब 225 किलो तक हो सकता है। एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी भरकम सांप होते हैं। ये करीब 10 मीटर लंबे होते हैं और इनकी मोटाई करीब 1 मीटर तक हो सकती है। इस सब के बावजूद एनाकोंडा काफी फुर्तीले तैराक होते हैं। जमीन पर एनाकोंडा और पफ एडर जैसे अन्य भारी भरकम सांप इतने मोटे होते हैं कि लहरदार गति नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने पेट पर बने खांचों को बुलडोजर के पट्टों की तरह इस्तेमाल करके सीधे रास्ते पर चलते हैं। नीचे से देखने पर आप पाएंगे कि पेट की त्वचा लहरदार तरीके से जमीन को छूती हुई आगे बढ़ती है, बिल्कुल इल्ली की तरह। सांप पर लगे हुए कैमरे से आप पफ एडर के शानदार नियंत्रण और एक समान गति को देख सकते हैं। इल्ली की तरह लहरदार तरीके से आगे बढ़ते हुए पफ एडर छिपकर अपने शिकार के पास पहुंचता है और घात लगाकर हमला कर देता है। सपाट सिर वाले इस ट्री स्नेक की तरह शानदार पतली काया वाले सांपों की गति गुरुत्वाकर्षण को चकमा देती नजर आती है। अपनी मांसपेशियों को तानकर यह अपनी रीढ़ की हड्डी को एक कड़ी लकड़ी की तरह बना लेता है। अपने इस डिजाइन की वजह से 1 मीटर से कुछ लंबा ये सांप अपनी काया के बराबर अंतराल को बिना किसी सहारे के हवा में ही पार कर लेता है। इसी वर्षा वन में ये ट्री बोआ अकॉर्डियन की तरह गति करते हुए पेड़ पर चढ़ रहा है। जब इसके बदन का ऊपरी हिस्सा आगे बढ़ रहा होता है तो इसकी कुंडलीदार काया एक संबल की तरह काम करती है। इसके बाद ऊपरी हिस्सा संबल बन जाता है और निचला हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस तरीके से ये बोआ सांप सीधा काफी ऊंचाई तक चढ़ सकता है। पेड़ पर चढ़ने वाला एक और सांप है दक्षिण अफ्रीका का ये ग्रीन मांबा। ये सांप पेड़ के तने पर कुंडली मारकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। अपने सपाट बदन की वजह से ये पेड़ पर अपनी पकड़ अच्छी बनाए रखता है। चमकदार हरे रंग की वजह से ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये सही मायनों में एक खूबसूरत कातिल है।
इसके भीतर एक दर्जन लोगों को मारने लायक जहर भरा होता है।